यस, मेरा कितना अच्छा एम हो गया, अब तो हर बारी हेड लगते हैं। भूसा बेटे कुछ खा लो। नहीं मामा, अभी मुझे भूख नहीं है। खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, सुबह से टैब के साथ लगे हुए हो। कुछ नहीं होता, बाद में खा लूंगा। आप ही कुछ खाना खा लो बेटे, सुबह से ऐसे भूखे पेट बैठी हो। अरे मामा, ड्रामा देख रही हूँ मैं, और मैं खा लूंगी खाना, अभी मैं डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग? बेटा इस तरह तो कमजोर हो जाओगी। नहीं होते कमजोर, मामा भी मुझसे बात ना करे। जिससे भी बात कर रही हूँ बात ही नहीं सुन रहे, अपनी मर्जी करते जाते। जमजम बेटा आप ही कुछ खा लो। मामा आप मुझे खाने की बात मत करें। इसने भी नहीं खाना, यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। सारे सुन लो मेरी बात, आज पापा आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। वो रोज मुझे पूछते हैं बच्चों ने खाना खाया या नहीं, मैं उन्हें साफ बता दूंगी कि ये सारा दिन टैब देखते हैं और खाने की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। तो मम्मा पापा की धमकियां बड़ी देती हैं। यस यस, जब देखो पापा की धमकी देती रहती है। मुझे धमकी धमकी मत दिया करे। तीनों को खाने के लिए कह चुकी हूँ, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। इतना खाना बनता है घर में और जाया चला जाता है। हमेशा पापा से झूठ बोलती हूँ कि इन्होंने खाना खा लिया है, इस बार बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी तो सुनते नहीं, आप ही कुछ कर लें। अरे पापा आप, रुको रुको, हाथ नहीं लगा दिए। ये इस बार आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी। हर बार आप लोग चैलेंज खेलते हो ना, इस बार मैं आपको चैलेंज देता हूँ। चैलेंज? कैसा चैलेंज? बोलो मंजूर है? पापा मुझे मंजूर है, ये जो आपके पास चिट्ठियां पड़ी है ना, ये मेरी फेवरेट है, मुझे तो मंजूर है भाई। पापा इन चीजों के लिए मुझे भी चैलेंज मंजूर है। मुझे मंजूर है। अच्छा पापा ये तो बताएं चैलेंज क्या है? अगर मंजूर है तो इन तीन पर्चियों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी है। पर्चियां? वो खा के दिखाओ तो ये चीज तुम्हारी। बोलो मंजूर है तीनों को? ठीक है समझ गए, दे मैं पर्चियां। बस ठीक है फिर, लो पकड़ो। दाल चावल? मैं देखता हूँ मेरे में क्या है। तो इसका मतलब हम दोनों को दाल चावल खाने पड़ेंगे और मुझे नूडल्स। अब ये खाना पड़ेगा, दाल चावल। और कहो मंजूर है? मैंने कहा था, आपने कहा था मंजूर है। पापा ने पानी दे दिया, जूस या कोल्ड ड्रिंक ही दे देते, अब तो मजा भी नहीं आएगा खाने का।
सांस चढ़ गया। हाँ पी, मुझे भी बहुत सांस चढ़ गया। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं खाया इतना खाना जितना आज खाना पड़ रहा है। सिर्फ चिड़ियों का सवाल है। खाओ खाओ। आ गया बेटे आ गया। खा लिया खाना? खत्म हो गया है? शाबाश, वेरी गुड। ये ले, ये तीनों बहन भाई मिलजुल के खा लो। सबके लिए बराबर लाया हूं मैं, ठीक है? शाबाश बेटे बेटे, वेरी गुड। कर दिया भाई फिनिश खाना बच्चा ने। लो ना चीजी, खाओ। मेरा तो देखने को भी दिल नहीं चाह रहा जितना पेट भर के मैंने खाना खाया। आपी, मैंने भी बहुत पेट भर के खाना खाया, अब तो मेरा एक बाहर की चीज तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा। ये तो मेरी फेवरेट चीज है, पर मुझे खाने को क्यों नहीं मन कर रहा आपी? हाँ आपी, रमजान की बात में वजन है। कहीं आप वो तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ भाई, मैंने भी यही नोटिस किया है कि जब हम घर का खाना पेट भर के खाते हैं तो जंक फूड नहीं खाया जाता और ना ही देखने को दिल करता है। हाँ भी ऐसा ही है, मुझे भी इसको देखने का दिल नहीं चाह रहा। अरे आप ही, वैसे पापा ने क्या चैलेंज दिया है? एक ही चैलेंज से हमें बहुत सी बातें सिखा गए, हमारे साथ तो वो गेम कर गए। हाँ भाई, तो फ्रेंड्स आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कि हमें घर का खाना पेट भर के खाना चाहिए, तो आप इन जंक फूड से बचे रहोगे। लेकिन अगर आप जंक फूड खाओगे तो आप बीमार हो सकते हो, आपके दांत खराब हो सकते हैं और पेट भी खराब हो सकता है। बाहर का खाना और ये चीजियाँ कभी कभार खानी चाहिए, ज्यादातर आपको घर का खाना खाना चाहिए क्योंकि वो फ्रेश होता है। और फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। अरे शूटिंग खत्म हो गई, चलो पकड़ो चीजें खाओ, चलो। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जीती मेरा, ये मेरा। थोड़े से शरारती हैं, थोड़े से मासूम हैं। लाइफ की सब मुश्किलों के हल हमको मालूम है। ख्वाबों को ताबीर हम हैं, खुशियों की तस्वीर हम, एक दूजे से मिलकर बने तीनों एक।